जहां पर आज कांग्रेस रमन जोगी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और अजीत जोगी का पुतला फूकेगी। अंतागढ़ टेप कांड और नान घोटाले के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। प्रदेश के सभी जिले स्तर पर इस तरह का प्रदर्शन होगा और प्रदेश भर में आज कांग्रेस रमन और जोगी का पुतला फूकेगी। अंतागढ़ टेप कांड और नान घोटाले में खुलासे के बाद कांग्रेस हमलावर हुई है और पूर्व मुख्यमंत्रियों की संलिप्तता के विरोध में प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन होगा। प्रदेश के सभी जिले शहर नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस आज प्रदेश भर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और अजीत जोगी का पुतला दहन करने का निर्णय लिया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यहां ये जारी बयान में प्रदेश के अंतर्गत विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की हत्या मामले में मंत्रीराम पवार और नागरिक आपूर्ति निगम यानी कि नॉन भ्रष्टाचार मामले में शिवशंकर भट्ट के बयान में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और अजीत जोगी का नाम आने से स्पष्ट हो गया है कि दोनों मामलों में पूर्व मुख्यमंत्रियों की संलिप्तता रही थी। और इसी के चलते जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं साबित हो रहा है कि अंतागढ़ का षड्यंत्र डॉक्टर रमन सिंह और अजीत जोगी द्वारा ही रचा गया था, वहीं नॉन घोटाले रमन सिंह द्वारा किया गया था। और एक और बड़ी खबर, भूपेश बघेल आज जमशेदपुर दौरे पर रहेंगे और साथ में कांग्रेस रमन जोगी का पुतला फूंकेगी। प्रदेश के सभी जिला स्तर पर यह प्रदर्शन किया जाएगा और आज कांग्रेस रमन और जोगी का पुतला फूंकेगी। टेप कांड और नॉन घोटाले के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है और आज कांग्रेस फूंकेगी पुतला रमन सिंह और अजीत जोगी का। और हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत करने